कंदील बलोच को भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मारूफ मॉडल कंदील बलोच के हवाले से एक हफ्ते से अपने अबाई घर में थी। आरपीओ की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि मुल्तान में मॉडल कंदील बलोच को कत्ल किया गया है और वो हलाक हो चुकी हैं। और ये बात भी सामने आ रही है कि कंदील बलोच को उनके भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया है। खबरों की जीनत बनी रहने वाली मारूफ कंदील मॉडल कंदील बलोच की जानिब से ये खबर सामने आ रही है और मुल्तान आरपीओ की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की जा रही है कि मॉडल कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है। और साथ ही आपको बताएं कि ये बात भी सामने आ रही है कि मॉडल कंदील बलोच एक हफ्ते से अपने अबाई गाँव में अपने घर में रिहाइश पजीर थी, भाई ने उन पर फायरिंग की है जिसके नतीजे में वो कत्ल हुई है। अपडेट कर रहे हैं आपको मारूफ मॉडल कंदील बलोच की हलाकत के हवाले से जिनको कत्ल कर दिया गया है। अब तक इस बात की तस्दीक आरपीओ मुल्तान की जानिब से की जा रही है कि कंदील बलोच कत्ल कर दी गई हैं। ताजा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मारूफ मॉडल कंदील बलोच जो कि अपनी मुतनाजा वीडियोज, अपने मुतनाजा इंटरव्यूज, अपनी मुतनाजा ड्रेसिंग की वजह से जो है वो आए रोज खबरों की जीनत बनी रहती थी। वो तमाम तर वीडियोज जो कि वो अपने सोशल वेबसाइट पर शाया करती रही हैं, नशर करती रही हैं, उन वीडियोज की वजह से वो जबान जदयाम रहती और खबरों की जीनत बनी रहती थी। आज आपको अपडेट कर रहे हैं मॉडल कंदील बलोच के हवाले से जिनको कत्ल कर दिया गया है मुल्तान में। और ये खबर सामने आ रही है कि मॉडल कंदील बलोच जो कि एक हफ्ते से अपने अबाई घर में रिहाइश पजीर थी, वहां पर मुकीम थी, उनको उनके भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया है। वाजे करते चलें कि मारूफ मॉडल कंदील बलोच जो कि कुछ अरसे से खबरों की जीनत बनी हुई थी, दो रोज कबल उनकी शादी की खबर भी सामने आई थी। उनके शोहर आशिक उनका जो मंजर आम पर आए थे, उन्होंने उनके बेटे मिशाल को भी जाहिर किया था और ये कहा था कि कंदील उनकी अहलिया थी और कोठी नाम ना करने पर कंदील ने उनसे अलहदगी इख्तियार की। उसके बाद हमने देखा कि एक और शोहर कंदील के मंजर आम पर आए थे और उन्होंने भी निका नामा जाहिर किया था और ये कहा था कि कंदील उनको रेलवे स्टेशन पर मिली थी और उसके उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की और अजदवाजी जिंदगी में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हुए। आपको बताएं कि इन दोनों खबरों की भी कंदील बलोच की जानिब से तस्दीक की गई थी कि हाँ वो शादीशुदा थी, लेकिन क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी ज्यादा खुशगवार नहीं थी और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, यही वजह थी कि उन्होंने अलहदगी इख्तियार की। सोशल वेबसाइट्स पर, सोशल अकाउंट्स पर आवाम की और उनके फैंस की एक बड़ी तादाद उनके अकाउंट्स को ज्वाइन किए हुए हैं। कंदील बलोच जो कि खबरों की जीनत बनी रहती हैं अपने मुतनाजा इंटरव्यूज और अपने मुतनाजा वीडियोस के हवाले से, उनके बारे में यह खबर सामने आ रही है कि उनको कत्ल कर दिया गया है। अब तक इस बात की तस्दीक मुल्तान आरपीओ की जानिब से की जा रही है कि कंदील बलोच को भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया है। तहम इसकी मजीद तफसीलात क्या है, क्या ऐसी वजूहत बनी कि उनके भाई ने उन पर कत्ल फायरिंग की जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बिना पर वो कत्ल हुई है, अब तक तमाम तर डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। लेकिन जो डिटेल्स इब्तदाई तौर पर सामने आई हैं उसके मुताबिक आपको बताते चले कि वो एक हफ्ते से अपने अबाई घर में रिहाइश पजीर थी, वहां मुकीम थी, वहां पर उन्होंने स्टे किया हुआ था और वहां पर भाई ने उन पर फायरिंग की है जिसके नतीजे में वो कत्ल